आदेश माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। नव ग्रह, नव नारायण, नवनाथ और फिर से नवनाथ। सबसे पहले नवग्रह हुए, फिर नवनारायण हुए, फिर नवनाथ हुए और फिर से नवनाथों का प्रादुर्भाव हुआ। पहले ही मैंने आप लोगों को कथा बताया था कि जब भील रूप में माँ भगवती देवी पार्वती और महादेव स्वयं आए थे महाभारत काल में, तो उन्होंने भीलों को उनकी भाषा में मंत्र जपने के लिए एक वरदान दिया था जिसको साबर मंत्र बोला गया। बहुत सारे साबर मंत्र महादेव ने खुद दिए। ऐसे साबर मंत्रों के अंत में हम ईश्वर वाचा बोलते हैं। तो जो ईश्वर वाचा मंत्र होता है वो ईश्वर द्वारा दिया गया मंत्र होता है और वो सिद्ध मंत्र होता है। उसके बाद नवनाथों का प्रादुर्भाव हुआ और इनका आना इसलिए हुआ ताकि साबर मंत्र को और ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा साबर मंत्र लोगों के बीच में आए। तो भगवान दत्त ने नवनाथों को दीक्षा दी। भगवान दत्त यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप, और जिन लोगों ने दीक्षा लिया उसमें महादेव थे, माँ भगवती देवी पार्वती थी और सारे देवी देवता थे। माँ भगवती देवी पार्वती ने पाव पंथ का स्थापना किया और पाव पंथ में ही जलेंद्र गुरु आए, गुरु जलेंद्र नाथ जी, जो कि दत्त भगवान के दो मुख्य चेलों में एक मच्छेंद्र नाथ जी रहे और दूसरे रहे गुरु जलेंद्र नाथ जी। मच्छेंद्रनाथ जी के जो मुख्य शिष्य रहे वो थे गुरु गोरखनाथ, और जो जलेंद्रनाथ जी के महायोगी जलेंद्रनाथ जी के जो मुख्य शिष्य थे वो थे कानिफनाथ जी। तो कानिफनाथ जी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि कानिफनाथ जी के बारे में बहुत जगह लिखा नहीं गया और बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन तंत्र के मामले में कानिफनाथ जी का कोई सानी नहीं था। मैंने टाइटल में कनीपा लिखा है, कनीपा नाथ जी, पा मतलब पावपंथी थे इसलिए कनीपा भी बोला जाता है। कानिफनाथ जी मूल रूप से बिहार से थे। अगर मैं बिहार बोलता हूं तो इसका ये समझ लीजिए मतलब कि उस समय बिहार मतलब बिहार, झारखंड और बंगाल मिश्रित बिहार हुआ करता था। तो इनका जन्म बिहार में हुआ था और इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया था। इनका द्वंद हनुमान जी से लेकर के इनका मिलन गोरखनाथ जी से भी हुआ। ये नवनारायण जो हुए थे सबसे पहले उसमें प्रबुद्ध नारायण के अवतार माने जाते हैं, और प्रबुद्ध नारायण के बाद जो नवनाथ हुए थे उसमें गज बेली गज कंधन नाथ उनके अवतार माने जाते हैं कानिफनाथ जी। तो जो भागवत महापुराण है उसमें भी वृषभ देव का वर्णन है जो कि उनके ही पुत्र थे प्रबुद्ध नारायण। आज हम आपको कानिफनाथ साधना देंगे। हमारा जो पंथ है, हम जिस गुरु परिवार से आते हैं उसमें हम लोग नवनाथों में कानिफनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं और कानिफनाथ जी की ही साधना करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि 50,000 सब्सक्राइबर के बाद मैं कानिफनाथ जी की आप लोगों को साधना बताऊंगा, तो वो दिन अब आ गया है। कानिफनाथ जी की साधना में बहुत ही मतलब बहुत टेक्निकल साधना नहीं है, मंत्र भी बहुत सिंपल है क्योंकि साबर मंत्र है। कानिफ जी का एक तो ओम चैतन्य कानिफनाथाय नमः, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कानिफनाथ जी का एक गायत्री है, कानिफ गायत्री, और उसके साथ है एक साबर मंत्र।
तो इसकी विधि क्या होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखो, ऐसे तो साबर मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं, लेकिन इनको याद करना और इनको बिल्कुल कंठस्थ करना, इनका सही वाइब्रेशन में इनको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। किसी का भी साबर मंत्र क्यों नहीं काम करता है? दो वजह से काम नहीं करता। एक तो वो सही बोलते नहीं हैं, और दूसरा वो उद्घोष करते हैं अपने साबर मंत्र का। ये दोनों चीज़ नहीं करनी चाहिए। कनिफनाथ जी का, कनिपानाथ जी का जो साबर मंत्र है, उसके पूर्व आप 7 बार कानिफ गायत्री पढ़ेंगे रोज़, और उसके बाद 3 माला आप इनका पढ़ेंगे जो साबर मंत्र में देने वाला हूँ। पहले मंत्र बता दे रहा हूँ, उसके बाद इनका विधान बताऊँगा। जो साबर मंत्र है कानिफनाथ जी का, वो है ओम भूर्भुवस्वः सिद्ध कानिपानाथ आवाहन स्थाप्यामि। फिर सुनिए, ओम भूर्भुवस्वः सिद्ध कानिपानाथ आवाहन स्थाप्यामि। तीसरी बार सुनिए, ओम भूर्भुवस्वः सिद्ध कानिपानाथ आवाहन स्थाप्यामि। जिनके पास बहुत समय ना हो या फिर जिनको साबर ना करना हो, वो सिर्फ इस मंत्र का 1008 जाप करें 21 दिनों तक शुरुआत में, फिर एक माला करें। सिर्फ इस मंत्र को करने से आप दुख दारिद्र्य और जो भी कष्ट है जीवन में, वो समाप्त हो जाएगा। ये गुरु साधना है, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। साबर मंत्र सुनिए, ओम शिव सिद्ध कानिफानाथ जी पूर्व खंड बिहार क्षेत्र पहाड़पुर स्थान बैठकर थापना थापलो गुरु सिद्ध जालेंद्र नाथ जी के शिष्य कहालो शिव कर्ण से उत्पन्न भया स्वयं पाव पंथ के योगी कहाया कपालिक पेवा के सिद्ध कानिफनाथ जी के चरण कमल को आदेश आदेश आदेश। एक बार फिर से सुनिए, ओम शिव सिद्ध कानिफानाथ जी पूर्व खंड बिहार क्षेत्र पहाड़पुर स्थान बैठकर थापना थापलो गुरु सिद्ध ज्वालेंद्र नाथ जी के शिष्य कहालो शिव कर्ण से उत्पन्न भया स्वयं पाव पंथ के योगी कहाया कपालिक पेवा के सिद्ध कानिफानाथ जी के चरण कमल को आदेश आदेश आदेश। एक बार और सुनिए, ओम शिव सिद्ध कानिफानाथ जी पूर्व खंड बिहार क्षेत्र पहाड़पुर स्थान बैठकर थापना थापलो गुरु सिद्ध जालेंद्र नाथ जी के शिष्य कहालो शिव कर्ण से उत्पन्न भया स्वयं पाव पंथ के योगी कहाया कपालिक पेवा के सिद्ध कानिफानाथ जी के चरण कमल को आदेश आदेश आदेश। इसका अगर आप गायत्री कर रहे हैं, कानिफ गायत्री कर रहे हैं, तो 7 बार आप गायत्री पढ़ेंगे कानिफ गायत्री, उसके बाद 3 माला इस माला का जाप करेंगे, ठीक है। यह सुबह का दिनचर्या होगा। रात में आपको 108 बार इनके साबर मंत्र से और 7 बार गायत्री से आहुति करनी है लौंग की, ठीक है। लौंग के साथ आप गूगल मिला सकते हैं, धूमन मिला सकते हैं। एक वस्तु जो आप नहीं मिला सकते, जो प्रोहिबिटेड है, वो तिल है, क्योंकि तिल महादेव को नहीं चढ़ता है और कानिफनाथ जी महादेव के रूप हैं। कानिफनाथ जी की एक बार जब आपने ये साधना 21 दिन की कर ली, इसमें पूर्णाहुति इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर रात आपने इसकी पूर्णाहुति 108 बार कर ली है, उसके बाद आप एक माला रोज जाप करेंगे गायत्री की, और एक माला आप जाप कर सकते हैं साबर मंत्र की। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह का व्यवधान नहीं रहेगा। कानिफनाथ जी के विषय में बहुत कुछ बोला जा सकता है, मैं बहुत इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया है। आप लोगों को ये समझ लेना है कि हमारे गुरु हैं कानिफनाथ। हम जिस गुरु परिवार से आते हैं, उस गुरु परिवार में कानिफनाथ जी को ही हम लोग गुरु मान के आगे की साधना करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक तो इस मंत्र का जाप करिए, इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए, इस मंत्र की साधना करिए। अभी जो गुरु मंत्र कर रहे हैं मेरे द्वारा दिया गया, वो गुरु मंत्र तो आप लोग करिए, लेकिन उसके साथ इस साधना को भी शुरू कर सकते हैं, या फिर गुरु मंत्र के तुरंत ख़त्म होने के बाद इस साधना को शुरू करिए। जो लोग जीवन में बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो गया या फिर कुछ भी सही नहीं चल रहा, जो जीवन का सिंक है वो गलत हो गया है, तो वो कानिफनाथ जी की साधना आज से अविलंब शुरू करिए। ये ऐसा गुरु मंत्र है जिसको हम लोगों ने तो कई बार कुछ मतलब
ट्राई किया है और हर बार हम लोगों को सफलता मिली है। आप लोग भी करिए, बहुत लाभ होगा। श्री गुरु जी की साधना करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक पूजा स्थान बनाइए जहाँ पर आप लोग ध्यान कर पाइए। तो उसमें कानिफनाथ जी की एक मूर्ति छोटी सी या फिर एक तस्वीर रखिए। उस तस्वीर के ऊपर भगवान दत्तात्रेय और नवनाथों की तस्वीर रखिए। उसके ऊपर ओम और शून्य की तस्वीर लगाइए। इन तस्वीरों के अलावा थोड़ा थोड़ा मतलब दत्तात्रेय भगवान के समकक्ष में एक तरफ भैरव जी की तस्वीर और एक तरफ माता छिन्मस्तिका की तस्वीर रखिएगा। ये क्यों रखा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि कानिफनाथ जी की मढ़ी पुणे में है और साधना क्षेत्र जो इनका महाराष्ट्र है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि इनका जन्म बिहार में हुआ था और इन्होंने सारी साधनाएं जो हैं वो ये बिहार के क्षेत्र में ही की थी। जो इन्होंने सबसे बड़ी साधना दी हम मानव को वो था छिन्मस्तिका साधना, वज्रवाराही साधना। वज्रवाराही साधना श्री गुरुदेव ने झारखंड की राजधानी रांची से थोड़ी दूरी पे एक स्थान है रामगढ़ में एक स्थान है रजरप्पा। रजरप्पा का अर्थ होता है राजाओं का श्मशान। इस राजाओं के श्मशान में कानिफनाथ जी ने साधना की थी और वहाँ पर एक वर्ल्ड फेमस मंदिर है छिन्मस्तिका का। उस छिन्मस्तिका को पृथ्वी पर लाने वाले गुरु कानिफनाथ जी थे। इसीलिए जब गुरु कानिफनाथ की पूजा होती है तो उसमें माता छिन्मस्तिका, क्रोध भैरव जी या भैरव जी की स्थापना, उनके गुरुदेव की स्थापना, शून्य और महाशून्य की स्थापना होती है। ठीक है, जो कानिफनाथ जी की साधना करेंगे वो मुझसे संपर्क में रहें, मैं उनको एक एक करके वो सारी साधनाएं दूंगा जो कि कानिफनाथ जी के आशीर्वाद से आपका सफल होगा। ठीक है, ये कानिफनाथ जी का ये मंत्र एक साधना चक्र की शुरुआत होगी आपके जीवन में और आपके जीवन में आज तक जो जो गलत हुआ है वो सब शुरू होने का चक्र यहीं से शुरू होता है। देखो, आप कोई भी साधना कर रहे हो उसके साथ आप इस साधना को करो और इस साधना को पूरे विश्वास के साथ करो, क्योंकि ये गुरु साधना है और गुरु से ऊपर कुछ नहीं होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप सभी कानिफनाथ जी की साधना करो, कानिफनाथ जी की स्थापना करो और कानिफनाथ जी की पूजा करो। इसके बाद आप लोगों को इस जीवन में कुछ नहीं देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का जो बेसिक मंत्र होता है जैसे आसन, बंधन, भैरव, ये सब साधना उनको सीखनी है वो मेरे पेड बेसिक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9421885885। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz। उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए, rudranath@cm4 टाइप कीजिए, मेरा प्रोफाइल आएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश रखा।